Hello, guys, welcome back to my YouTube channels. Today's videos I am going to share many new details, different characteristics, different information, different style, different designs from hoodies. Hoodie is basically used in European countries 80 to 85 percent. Used in European countries because the winter seasons is greatest in winter season in European countries and Asian countries and Arab amarat Winter seasons is less 20 to 25 percent. Winter season, three to four month आज की इस वीडियोस में हमने जर्सी की जितनी भी ओवरऑल टाइप्स थी ठीक है उसमें हमारे पास आ जाती है जर्सी की सबसे इम्पोर्टेंट टाइप्स यानी कि पुल ओवर हुडीज़ जी जर्सी और हुडीज़ तकरीबन सेम टू सेम है ठीक है हुडीज़ भी जर्सी से ही निकली है ठीक है तो इसके अलावा हमारे पास वूल की हुडीज़ हैं पुल ओवर हैं कार्डिगन हुडीज़ हैं ठीक है टेरी फैब्रिक्स में हुडीज़ हैं हमारे पास ट्रांस टेरी फ़ैब्रिक्स में हुडीज़ हैं ठीक है उसके अलावा हमारे पास स्लीवलेस हुडीज़ है सिंपल हुडीज़ है तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हुडीज़ की जितनी भी टाइप्स हैं वो हमने आज की इस वीडियोस में आपके साथ डिटेल से शेयर की हैं ठीक है उसका मकसद हमारा यही था कि हुडीज़ की जितनी भी टाइप्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करें और वन बाय वन हम हुडीज़ की जितनी भी टाइप्स हैं उनको डिटेल के साथ आपके साथ हमने शेयर की ठीक है इसके अलावा हुडीज़ में डिफरेंट डिज़ाइनज हैं स्टाइल्स हैं ठीक है, है क्योंकि तो सम पीपल हुडी यूज आर यानी कि पेंट्स वग़ैरह पे पहनते हैं ठीक है और कुछ लोग हैं जो कि हुडीज़ का इस्तेमाल शलवार कमीज़ के ऊपर से करते हैं ठीक है, है? हुडीज़ बेसिकली सर्द इलाक़ों में इसलिए वूल वग़ैरह की हुडीज़ हैं जो ज़्यादा फ्लीज और वूल्स की हुडीज़ हैं इसलिए सर्द इलाकों में ज़्यादा यूज़ की जाती हैं क्योंकि ये हमें सर्दी से ज़्यादा बचाती यानी कि सेफ़ रखती हैं हमारी लाइफ को ठीक है तो वहाँ तकरीबन सर्दी का जो सीज़न होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में वहाँ माइनस में ज़्यादातर टम्परेचर रहता है ठीक है और एशियन और अरब अमारात में तकरीबन ओवरऑल ज़्यादातर गर्मी का सीज़न ही रहता है तो वहाँ के लोग शर्ट्स की बजाय फिर कॉटन की हुडीज का यूज़ करते हैं ठीक है और हमारे एशियन कंट्रीज़ में भी सर्दी के सीज़न में हुडीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है ठीक है एक फैशन के तौर पर भी और वैसे अपने लाइफ स्टाइल्स को मेंटेन रखने के लिए भी लोग इसे यूज़ करते हैं ठीक है तो इसलिए हमने हुडीज़ की जितनी भी टाइप्स थी वो हमने आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर की हैं ठीक है अगर इसमें आपको किसी भी चीज़ की इसमें समय ना लगी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट्स में पूछ सकते हैं ठीक है क्योंकि हम हमारी तो कोशिश यही होती है कि हम जितना भी डाटा शेयर कर रहे हैं अपलोड यानी कि अपलोड कर रहे हैं तो वो हम हमारे देखने वाले हैं उनको इजीली समझ लग सके वो अंडरस्टैंड चीज़ों को कर सके ठीक है तो इसलिए हम जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं जर्सी पर यानि डिफरेंट टॉपिक्स पर हमारी कोशिश यही है कि हम ओवरऑल डाटा यानी कि जितना भी हुआ ना वो आपके साथ हम डिटेल से शेयर करेंगे तो इसलिए हमने आज की इस वीडियोस में आपके साथ ओवरऑल हुडीज की जितनी भी टाइप्स हैं ठीक है हुडीज में तकरीबन एक ज़िप वाली भी है ठीक है और एक बगैर जिप के स्लीवलेस हुडीज भी है तो तकरीबन हर हुडिस के जितने ओवरऑल डिफरेंट यानी कि स्टाइल्स हैं टाइप्स हैं तो हमने भी उसी तरीक़ाकार से उन पर सर्च किया है ठीक है और आपके साथ हमें वन बाय वन आपके साथ हमने शेयर किया है तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो अपना हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स होगा वो हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि अभी सर्दी का सीज़न है लो तो लोग सोक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सोक्स पर भी सोच की जितनी टाइप्स हैं ठीक है क्योंकि सोक्स जो भी सर्दी की चीजें हैं ज्यादातर उन्हें हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करें जैसा कि हमने आपके साथ पहले शूज शूज की यानी कि एक शूज नहीं हम करते फिर शूज की जितनी भी टाइप्स हैं हम उनको डिटेल्स के साथ आपके साथ शेयर करते हैं ठीक है तो इसलिए हम जिस तरह हमने हुडीज़ की एक टाइप्स यानी कि डिफरेंट उसकी जितनी भी टाइप्स थी ठीक है कार्डिगन हो गई पुल ओवर हो गई ठीक है ट्रेंच टेरी फैब्रिक्स वूल फ्लीस ठीक है कॉटन तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जिसकी जितनी टाइप्स हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप्स आपके साथ शेयर करते रहें ठीक है तो जो यानी कि सोक्स की जितनी भी टाइप्स होंगी ठीक है वो हम आपके साथ शेयर करें वैसे सोक्स का जो एक ब्रांडेड है वो इंटरलूब है तकरीबन ये पाकिस्तान में है ठीक है तो इसके अलावा इसकी तकरीबन एटी टू एटी फाइव परसेंट जो होती हैं चीज़ें ये सारी एक्सपोर्ट ही करता है ठीक है तो तकरीबन ओवरऑल वर्ल्ड में इंटरलूप्स की जुराब जाती है तो क्योंकि बहुत ही फेमस है ठीक है तो इसीलिए हमारे पास सोखस की जितनी डिटेल्स यानी कि उसका डिफरेंट डाटा होगा वो हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ शेयर करें शुक्रिया